वेलकम टू किसान मशीन। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो हमारे पास आ गया है एक चेनसो जो कि टू स्टॉक है टर्नर कंपनी का, और इसमें कुछ स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसका 22 इंच का ब्लेड है। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि मैं बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि चेनसो मशीन का एक रिपेयरिंग वीडियो बनाएं, तो वीडियो आ गया है, आप लोग अच्छे से देखें और समझें। तो जैसा कि देख रहे हैं एयर पग हमारा पूरा टाइट है, मतलब इसमें तेल अच्छे से आ रहा है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो स्विच हमने ऑन कर दिया है और चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उसे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल की घंटी होगा उसे भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपका कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रिप्लाई दूँगा आपको। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करें, वहाँ पर मैं बताऊँगा क्या क्या करना है आपको। तो जैसा कि देख रहे हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इस मशीन में। तो एक बार स्पार्क प्लग को खोल कर और स्पार्क प्लग का जो करंट है वो चेक करेंगे, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं स्पार्क प्लग में बिल्कुल करंट आ रहा है, इसका मतलब स्पार्क प्लग हमारा सही है। एक बार फिर से स्टार्टर खींच कर स्टार्ट करके देखते हैं मशीन को, स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले तो हम समझ लेते हैं इसका टाइमिंग कैसे सेट होगा। जो आप L लिखा हुआ देख रहे हैं वो इस स्क्रू का है, और जो H लिखा हुआ है मतलब हाई वो इसके बगल वाले स्क्रू का है। जो आपने H लिखा हुआ देख रहे थे वो इस टाइमिंग का है, तो इस टाइमिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये हाई RPM करने के लिए है। और सबसे टॉप में जो आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा अभी मैं बताऊंगा आपको, ये जो स्क्रू देख रहे हैं आप ये एस्केलेटर हाई करने के लिए है। तो चलिए अब हम मिलाते हैं टाइमिंग को, जो L लिखा हुआ जो टाइमिंग है उसको हम स्क्रू ड्राइवर से दो बार टाइट करेंगे और स्टार्ट करके देखेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं स्टार्टिंग का मोमेंट बना रहा है लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो फिर से हम दो बार घुमाकर टाइट करेंगे और स्टार्ट करके देखेंगे फिर से। चलिए हमारा मशीन स्टार्ट हो गया, अब हम एस्केलेटर को हाई करके चेक करेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपका तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि देखा आपने मशीन हमारा बन चुका है, अब जितने भी स्पेयर पार्ट हमने खोला है सबको फिट करेंगे और एक बार फिर से स्टार्ट करके देखेंगे। तो बने रहें वीडियो में और लास्ट तक देखते रहें।